नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र आदि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम हर माह का जो सूर्य का राशि परिवर्तन माह के मध्य में होता है, 15-16 तारीख के आसपास, उसके बारे में भी बात करते रहते हैं। आज मैं आपके सूर्य का वृषभ राशि में होने वाले परिवर्तन जो है 15 मई 2022 को 5:29 से 15 जून 2022 दोपहर 12:03 तक जो होने जा रहा है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। हर लगन के बारे में, मेष से लेकर मीन लगन के बारे में। आज इसके साथ ही कुछ और ग्रह परिवर्तन भी हो रहे हैं, चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। इन सब ग्रह परिवर्तनों का क्या असर कर्क लगन पे होने जा रहा है, ये बात करने जा रहा हूँ। आपका कर्क लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष, स्थान, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चक्र बनेगा। बीच के चक्र में यदि बीच के खाने में 4 नंबर कैंसर अथवा कर्क आ रहा है तो समझिए बात आपकी हो रही है, अन्यथा नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। कर्क राशि के ऊपर क्या असर होने जा रहा है? सूर्य वृषभ में जा रहा है, जैसे मैंने बताया। अत्यधिक महत्वपूर्ण जो ग्रह है इस लगन का, योग कारक जो है मंगल, 17 मई को कुंभ से यानी अष्टम से नवम भाव में जाके उत्तम होने जा रहा है। शुक्र जो है एकादश और चतुर्थ भाव के समय 23 मई को मीन से मेष में जा रहे हैं। मेष में थोड़ा सा इनडिसिप्लिन कर देता है वर्क प्लेस पर यह शुक्र जो है, अन्यथा ठीक है, परंतु शनि की दृष्टि में होने से आप वर्क प्लेस, आपका व्यापार और नौकरी में अस्थिर रह सकते हैं। उसका अन्य कारण एक और भी है, चंद्र ग्रहण जो 16 मई को सोमवार को पड़ेगा और कर्क लगन का स्वामी ही चंद्र है, तो 16 मई को पड़ने वाला जो चंद्र ग्रहण है 7:58 से सवेरे और मॉर्निंग में 11:25 तक चूड़ामणि चंद्र ग्रहण, इसका असर सबसे अधिक कर्क लगन के ऊपर होगा क्योंकि कर्क लगन के स्वामी ही चंद्र है। असर कहाँ पड़ेगा? ये चतुर्थ भाव पे तुला राशि में और दशम भाव पे जहाँ पे राहु होंगे और सूर्य एकादश में जा चुके होंगे, तो चौथा घर, दसवां घर और 11वां स्थान। सूर्य आपके द्वितीयेश भी हैं तो आपका ग्रहण का असर में आपका धन यानी आपकी आमद, उससे यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो आपकी आय, आपका लाभ, आपका मन, आपका कर्म, ये चारों भाव अफेक्टेड हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण क्योंकि चतुर्थ भाव में लग रहा है तो मन की स्थिति, मानसिक स्थिति, साथ में फेफड़ों का, लंग्स का और हार्ट का 70 वर्ष से ऊपर की आयु होने पर ध्यान रखना होगा। कर्म में यानी काम में, नौकरी हो, व्यापार हो, आपका मन कम लगेगा, परंतु फिर भी आप डिसिप्लिन को बना के रखें, जहाँ तक हो सके डिसिप्लिन को बना कर रखें, अन्यथा शनिवार या शुक्रवार के दिन आपको इन 30 दिनों में समस्या हो सकती है। अब जीवन के अन्य भावों पर क्या असर होने जा रहा है, हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो मन और घुटने हुए, पीठ हुई, मन स्थान हुआ, मानसिक शांति थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। गर्दन पे, आंखों पे, चेहरे पे सांवलापन आएगा थोड़ा सा, मुंह में जलन सी रहेगी, आंखों में जलन रहेगी, भूख में कमी होगी या इंडाइजेशन होगा और नौकरी में काम करते हुए दिल नहीं लगेगा, थकान रहेगी, छुट्टी लेने को दिल करेगा और अष्टम भाव जो है वहाँ पे शनि है इस ग्रह, उसको दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो ये आपको वर्क प्लेस से दूर करने की कोशिश करेगा, स्वास्थ्य गिरा रहेगा। जैसे ही आप काम पे जाएंगे स्वास्थ्य गिरने की संभावना होगी, घुटनों में दर्द होगी, सर दर्द होगा, भूख में कमी होगी, इंडाइजेशन होगा, तो बाहर का खाने पीने से बचना होगा और अनुलोम विलोम, कपाल भाति, सूर्य नमस्कार योग और भगवान शंकर के लिए हर रोज हो सके तो 30 दिन भगवान शंकर को शहद और दूध के साथ स्नान कराना आवश्यक रहेगा। नौकरी और व्यापार में व्यापार थोड़ा सा बेटर रहेगा। नौकरी जो है पूरे 30 दिन आपके इनडिसिप्लिन की वजह से, आपके मन के इधर उधर विचलित होने की वजह से खराब रहेगी, परंतु सूर्य एकादश होने से नौकरी को रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु अपने इनडिसिप्लिन से आपको परेशानी होगी, जो आपका स्तर है आप उससे नीचे गिरेंगे शुक्र के कारण।
17 मई के अपराध। और प्राइवेट जॉब में यदि आप हैं तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है शुक्र के कारण। यदि बात कर लेते हैं व्यापार की, तो व्यापार में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप जो है चंद्रग्रहण के आसपास, और जिसमें इन्वेस्टमेंट होना हो, उधार देना हो, व्यापार में उधार देना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, या नई साझेदारी करनी हो, इनसे बचें और अपने से प्रबल आर्थिक रूप से प्रबल साझेदार से ज़रूर बचें। यदि आप ये नॉर्मल सावधानियां करेंगे तो कोई हानि आपको नहीं होगी, क्योंकि भगवान मंगल और बृहस्पति की स्थिति लगन 9th भाव में बड़ी अच्छी होगी, विशेष करके 17 मई के उपरांत। तो ग्रहण के असर को आप अपने भाग्य और अपने कर्म से ठीक कर पाएंगे। धर्म और शिक्षा में दोनों में ही पॉजिटिव रहेगा। शिक्षा में विदेश की शिक्षा हो, देश की शिक्षा हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, CA हो, जुडिशरी हो, या डॉक्टर्स हो, क्रिएटिव फील्ड हो, आर्टिस्टिक हो, स्पोर्ट्स की पढ़ाई हो, एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, सभी में उत्तम रहेगा। भाग्य पूरे 30 दिन प्रबल रहेगा यदि आप कर्म को ना गिरने दें, मांसाहार मद्यपान से यदि दूर रहेंगे तो आपका जो भाग्य है उत्तम रहेगा। आपका मन गायत्री मंत्र में, हनुमान चालीसा में, दुर्गा के इसमें लगा रहेगा, परंतु आपको जो पूजा करनी है सूर्य और शुक्र की है, सूर्य बीज मंत्रों का जाप और शुक्र के लिए भगवान कृष्ण का ओम नमः भक्ते वासुदेवाय, इससे आपका धन जो है ये विशेष आपकी ये पूजा पाठ बनी रहेगी। धन के लिए पूरे 30 दिन जो है ग्रहण के आसपास 2-4 दिन छोड़ के 16 मई से पहले और बाद में आपका धन थोड़ा सा आता रहेगा परंतु अस्थिर रहेगा, इसलिए धन को बाहर ना निकलने दें। लाभ जो हो रहा है उसको आप री इन्वेस्ट ना करें, आप बचा के रखें, बैंक में रखें, व्यापार में स्पेकुलेटिव ना हो, अचानक साझेदारी ना करें, अचानक नए पार्टीज को माल ना दें, शेयर मार्केट सट्टे में सावधानी रखें, 30 दिन तक अपने लो प्रोफाइल में आ जाएं, और गोल्ड इत्यादि के व्यापार में आप अत्यधिक सावधान रहें, विशेष करके हीरे और जवाहरात के क्षेत्र में 23 मई के उपरांत। नौकरी में थोड़ा सा रिस्क रहेगा, यदि आप नंबर 2 की आय करने की कोशिश करेंगे, रिश्वत इत्यादि कोशिश करेंगे तो शुक्र के कारण, और यदि महिलाओं से रिश्वत लेंगे तो विशेषकर रूप से खतरा रहेगा 23 मई से लेकर 16 जून के मध्य। तो इसलिए नंबर 2 के चक्रों में मत पड़े, अन्यथा जो है यदि आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा समय, क्योंकि सूर्य एकादश भाव में आपकी तरक्की देगा, रुका धन देगा, नया नई नौकरी में परिवर्तन देगा, आर्थिक रूप से रुका पैसा आएगा, पैतृक धन भी आपके आने का संकेत बन रहे हैं 17, 18, 19 के आसपास। इसलिए सौम्यता रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे तो धन आता रहेगा। प्रेम और रिश्तों के लिए आपको विशेष रूप से 17 तारीख तक जो है आपको मांगलिक जातकों को कुंडली मिलानी होगी, उसके उपरांत जो है जो और जातक हैं वो सावधानी से रिश्ते करेंगे। शुक्र दशा भाव में धोखेबाज से रिश्ता होना, गलत इंसान से रिश्ता होना, वर्क प्लेस में आपको जो है नैतिकता बनाए रखनी होगी, वर्क प्लेस पर रिश्ते ना करें। आप अपने बहुत छोटी आयु की लड़की के साथ में यदि पुरुष हैं, या बहुत छोटे लड़के के साथ यदि महिलाएं, इस प्रकार के अनैतिक संबंधों से बचें, वर्क प्लेस पर पूर्ण नियंत्रण बना के रखें। आपको माता के साथ में, छोटे भाई बहन के साथ में रिश्ता बना के रखना आवश्यक होगा। वर्क प्लेस में सुपीरियर जो आपके बॉसेस विशेष रूप से महिलाएं हैं उनसे सावधानी रखनी होगी। उपाय के लिए आप पूरे भगवान शंकर के लिए आप शिवलिंग पे जलाभिषेक या दूध से अभिषेक, शहद से अभिषेक करते रहें, और भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय अथवा भगवान शुक्र का मंत्र ओम धनाधरी धनोषा शुक्राय नमः हनुमान चालीसा इत्यादि करते रहें। पूरे माह आप काले उड़द, चीनी, नारियल और साबुत मूंग का दान करते रहें। इस माह में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण मुहूर्त की तारीखें, उनका आप लाभ उठा सकते हैं। मुंडन होगा मई, मुंडन के लिए मई 17, 18, 21, 26, 27 और 31, जून 1, 4 और 10। नीम अथवा गृह प्रवेश के लिए मई 16, 21, 26, 27, जून 1, 10 और 11। गृह प्रवेश के लिए मई 16, 20, 21, 26 और 27 तथा जून 1, 4, 10 और 11। व्यापार के लिए आरंभ करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए मई 16, 20, 21, 27, 26 और 27, जून 1, 4, 8 और 10। यज्ञ पवित अथवा मुकलावा के लिए
मई 17, 18, 20, जून 1, 2, 10 सर्वदेव देव प्रतिष्ठा के लिए मई 20, 21, 26, 27, जून 1, 4, 8, 10 और 11 भगवान शंकर की प्रतिष्ठा के लिए 18, 21, 27 मई और 2 तथा 4 जून। धन्यवाद, नमस्कार।